गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको कल डिस्कस किया था फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन कौन से आइटम क्रेडिट साइड में जाएंगे, कौन कौन से आइटम डेबिट साइड में जाएंगे, तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है कि कितना प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालना है। कल भी मैंने समझाया था बट कुछ बच्चों की क्वेरीज निकल के आई है तो मैं आपको उसको और डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि सबसे पहले जब तक आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आज के लेक्चर से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन प्रॉपर स्टार्ट होंगे, तो वॉच इट केयरफुली। तो आज का जो कॉमन डाउट है जो बच्चों ने मुझे भेजा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कितना प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां पर मैंने कुल तीन केस लिए हैं। अगर आपको इस तरीके की लैंग्वेज दे रखी है तो कौन सा अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला केस मैंने माना है, बड़ा सिंपल सा है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख। सिंपल सिंपल दे रखा, फर्म का प्रॉफिट 2 लाख रुपए हुआ है। अब इसमें बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग जो हमारे दिमाग में आता है कि सर बिफोर चार्जिंग ट्रांसफर करते हैं आफ्टर चार्जिंग करते हैं, मेक श्योर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन ही ट्रांसफर होता है। अब आपको यही समझना है कि बिफोर चार्जिंग है या इसमें से कोई चीज ऑलरेडी चार्ज कर ली है तो हमको कितना ट्रांसफर करना है। तो पहला केस मैंने बड़ा सिंपल लिया है, नेट प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपए दे रखा है, कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है बिफोर या आफ्टर, तो आप 2 लाख रुपए ही नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन इज 2 लाख। मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है और क्लियर लिखा है बिफोर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन, यानी जो भी आइटम आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, वो आपको दिखाने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए, तो इस केस में भी 2 लाख रुपए ही ट्रांसफर होगा। दोनों केस सेम है, लैंग्वेज का चेंज है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में कई बार आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर दे देते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग, ध्यान देना क्या लिख रहा है, आफ्टर चार्जिंग, और क्या आफ्टर चार्जिंग है ये हमें दोबारा पढ़ना है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी 5000, यानी 5000 रुपए सैलरी चार्ज करने के बाद फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 1,95,000। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अगर गलती से कोई भी आइटम प्रॉफिट के अंदर आपने ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है तो आपने क्या करना है, उस अमाउंट को दोबारा से प्लस कर देना है, सो दैट यू विल ट्रांसफर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो थर्ड केस में सैलरी 5000 चार्ज करने के बाद आपको फर्म का प्रॉफिट दे रखा 195, तो 195 में जो चीज आपने चार्ज कर ली है उसे आप प्लस करेंगे, टोटल कितना ट्रांसफर करेंगे 2 लाख। ये 3 पॉइंट क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पोर्शन। आज सबसे पहले हम वो सारे एडजस्टमेंट पर फोकस करेंगे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरीके से निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकलेगी, पार्टनर्स कमीशन किस तरीके से निकलेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है वो कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंडीशंस दे रखी होंगी, उन कंडीशन को पहले आपने पढ़ना है, उन कंडीशन को समझना है और अकॉर्डिंगली कोई ना कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही होगी, अकॉर्डिंगली आपने वो अमाउंट कैलकुलेट करना है, तब जाकर के आपको उसको पुट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आज हम एक एक करके सारे केसेस पर फोकस करेंगे और यहीं से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और आप आराम से एक एक करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहां से कहां तक आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है आपका, पहला एडजस्टमेंट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग एज वी ऑल नो, जो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, और पार्टनरशिप डीड में अगर डिफाइन है कि
फर्म मे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर्स, सो देर आर वेरियस केसेस। अब हर पार्टनर अपने अकॉर्डिंग पैसा विड्रॉ कर सकता है, केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, बट कुछ प्री डिफाइंड केसेस आपके सिलेबस में है। उसमें से पहला है व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, यानी जब जितने पैसे की जरूरत पड़ रही है उतना उतना पैसा वो पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर डेट पर निकाल रहा है। तो मैंने अज्यूम किया उसका फॉर्मूला है। दो मेथड होते हैं करने के क्वेश्चन को, एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। अल्टीमेटली दोनों से आंसर सेम आएगा और आपको अपना टाइम सेव करना है क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम फेस करना है। तो बेटर यू शुड यू ऑलवेज फॉलो प्रोडक्ट मेथड टू सेव योर कैलकुलेशन एंड टाइम। सो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड, अंडर केस व्हेन पार्टनर विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, फॉर्मूला इज टोटल ड्रॉइंग पूरे साल में कितना पैसा निकाला इनटू रेट अपॉन 100, रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, इनटू 1/12 ऑन एन एवरेज एक महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक अज्यूम किया है कि सपोज किसी पार्टनर ने 1 मई को 5,000 रुपए निकाले, 31 अक्टूबर को 8,000 रुपए निकाले, 1 दिसंबर को 3,000 रुपए निकाले, 15 फरवरी को 1,000 रुपए निकाले। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च। तो इसमें आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आपने 1 मई को 5,000 रुपए विड्रॉ करे, 31 अक्टूबर को 8,000, 1 दिसंबर को 3,000 और 15 फेब को 1,000। अकाउंट आपका 31 मार्च को क्लोज होता है। तो जितना जितना पैसा आपने जब जब निकाला वो पैसा आपको आपने कितने दिन यूटिलाइज करा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मंथ यू यूटिलाइज मनी। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, जिस डेट को आपने पैसा विड्रॉ किया है उस डेट से 31 मार्च तक जितने भी मंथ है वो आपके कहलाएंगे नंबर ऑफ मंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मई को विड्रॉ करा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी आपने उस पैसे को अल्टीमेटली 11 महीने यूज किया। तो 5,000 प्रोडक्ट मेथड है तो अमाउंट का मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसको प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है। 5,000 इंटू 11 बिकम्स 55,000। ऐसे ही 31 अक्टूबर को निकाला, अक्टूबर चला गया पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ आउटस्टैंडिंग एंड अकॉर्डिंगली आपने मंथ रख दिए। लास्ट ड्रॉइंग आपकी 15 फरवरी को है, उसके बाद ड्रॉइंग नहीं दे रही। तो 15 फरवरी इसको 1 फरवरी कर लेंगे, नॉट 15 फरवरी, इसको 1 फरवरी कर लेंगे। तो 1 फरवरी को आपने विड्रॉ किया है तो पूरे फेब और पूरे मार्च 2 मंथ आपने यूटिलाइज किया है। कैलकुलेट किया 55,000, 40,000, 12,000, 2,000, इन सबको ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा उसको कहते हैं टोटल ड्रॉइंग। बस आपने फिर फॉर्मूले में पुट करना है, टोटल ड्रॉइंग है आपकी 1,09,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%, तो 10/100 ऑन एन एवरेज बेसिस आपकी इंटरेस्ट एक महीने के लिए कैलकुलेट होगी। तो 1/12 ये डिफॉल्ट डिजिट है, रखनी ही रखनी है आपको। आपका पॉइंट में आंसर आएगा टू मेक इट राउंड ऑफ, मैंने लिया है 908। तो पहला केस क्लियर, जब पार्टनर अलग अलग पैसा अलग अलग डेट पर पूरे साल निकालता है। केस नंबर टू, नाउ कम टू केस नंबर टू। केस नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर टू में क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा आप समझ लीजिए। व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन, यानी पहला इसमें अजम्पशन क्या है, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ही विड्रॉ कर रहे हैं। पहले वाले केस में क्या था, आप हर बार अलग अलग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, इसमें क्या है आपको फिक्स अमाउंट ही विड्रॉ करना है। लाइक 1,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो हर बार आप बार बार 1,000 ही विड्रॉ करेंगे, अगर आप 2,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो 2,000 क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो केस नंबर टू क्या है, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर रेट ऑफ इंटरवल। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, दो चीज कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी लगेगा। पहला आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं यानी 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 एंड सो ऑन।
दूसरा रेगुलर रेट ऑफ इंटरवल, यानी पहली ड्राइंग में और दूसरी ड्राइंग में जो टाइम गैप है वही टाइम गैप दूसरी ड्राइंग और तीसरी ड्राइंग में होगा, वही टाइम गैप आपका लास्ट तक चलेगा। सपोज अगर मैं 1 अप्रैल को मैंने पैसा विड्रॉ किया जो कि मेरी अकाउंटिंग ईयर की डेट है स्टार्ट होने की, तो 1 अप्रैल को अगर मैंने 2000 निकाले तो 1 मई को भी 2000 निकालूंगा, 1 जून को भी 2000 निकालूंगा, देन 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लास्ट ड्रॉइंग कब करूंगा मैं? 1 मार्च, क्योंकि उसके बाद तो मेरा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च के बाद चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला अमाउंट फिक्स विड्रॉ कर रहा है और टाइम गैप सेम है, तो इसमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हर बुक में अलग अलग बात दे रही होगी, आप एक फॉर्मूला फॉलो करें, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। एंड द फॉर्मूला इज टोटल ड्रॉइंग, आपने पूरे साल कितना पैसा विड्रॉ करा उसको टोटल ड्रॉइंग बोलते हैं। रेट अपॉन 100 क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये चीज नहीं है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी जिस दिन जिस तारीख को आपने पैसा निकाला उस तारीख से लेकर के जो आपकी अकाउंटिंग ईयर की जो डेट है दैट इज 31 मार्च, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। यानी एक साल में अगर आप हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं तो कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं आप? 12 बार। बट मुझे मतलब किससे है, पहली ड्रॉइंग के बाद कितना समय बचा और लास्ट ड्रॉइंग के बाद कितना समय बचा, प्लस होल डिवाइडेड बाई 2 × 1/12, ये बाई डिफॉल्ट फिगर रहेगी। तो आप देखिए, मैंने अज्यूम किया है इफ मिस्टर ए विड्रॉ ₹3000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, यानी मिस्टर ए हर महीने की पहली तारीख को ₹3000 विड्रॉ करता है थ्रू आउट द ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी आपको 10%। तो आप सोचिए ₹3000 उसने पर मंथ विड्रॉ किए, टोटल ड्रॉइंग कितनी होती है? 3000 × 12, टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई? 36000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10% पर एनम, मैंने पुट कर दिया 10/100, 1/12 बाई डिफॉल्ट है वो मैंने बाई डिफॉल्ट 1/12 पुट कर दिया। जो कहानी है वो इस चीज की है, यही आपको आगे के केसेस में बदलनी है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग मैंने लिखा भी है, आपने पहली ड्रॉइंग कब की? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आपने पहली ड्रॉइंग की, अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च। तो इनका जो डिफरेंस है उसको कहते हैं टाइम गैप। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम गैप है वो 12 महीने है, तो ऊपर आ गया आपका 12। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद आपने सेकंड ड्रॉइंग कब की होगी? 1 मई, मैंने उसमें नहीं जाना। देन थर्ड ड्रॉइंग, एंड अल्टीमेटली मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी? आपने लास्ट ड्रॉइंग मार्च के मंथ में की होगी, आप कैलकुलेट करके देखिए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग जब आपने 1 मार्च को पैसा निकाला, समझ रहे हैं, 1 मार्च से अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। तो वापस से इसका जो टाइम गैप है वो कितना हो गया? 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना। तो फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग में 12 लिखेंगे, लास्ट ड्रॉइंग कितनी है? 1, 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1950। इतनी बात क्लियर? अब इसी में अलग अलग केस लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी समझाता हूं और प्रैक्टिकली आपको टिप पे याद रखना है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट डे की जगह आपने लास्ट डे निकाला है, मैं यही सॉल्व कर रहा हूं इसे, लास्ट डे निकाला है पैसा, सेम क्वेश्चन है। देखिए केस नंबर 2 में मैंने फर्स्ट डे को सिर्फ रिप्लेस कर दिया है लास्ट डे से, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ₹3000 अगर वो विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकाल रहा है, तो वापस से टोटल ड्रॉइंग आपकी वही कहलाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही दे रखा है 1/12 बाय डिफॉल्ट है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग आपने समझनी है, बस ये ट्रिक है इसकी, तो समझिए।
दिमाग लगाइए, पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? अप्रैल में। पहला मंथ कौन सा हुआ? पहले हमेशा क्या ध्यान रखना है, पहला मंथ और मंथ में आपने किस डेट को निकाला है, दो चीज पकड़नी है, मंथ और डेट। तो फर्स्ट ड्राइंग अब करेंगे आप अप्रैल में, तो मंथ आपने पकड़ लिया अप्रैल, और कंडीशन क्या करिए, लास्ट डे। अप्रैल का लास्ट डे क्या आ रहा है बच्चों? 30 अप्रैल। तो पहली ड्रॉइंग आपने 30 अप्रैल को की। वापस से ये अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम गैप कितना हो गया? 11 मंथ्स। आगे आपने फिर 31 मई को की होगी, 30 जून को की, एंड सो ऑन। तो लास्ट ड्रॉइंग आपने कब की होगी? लास्ट मंथ कौन सा है? पहले मंथ फिर डेट, मैंने फंडा बता रखा है। लास्ट मंथ कौन सा है आपका? मार्च। तो पहले हमने मंथ पकड़ लिया और डेट क्या है क्वेश्चन में? लास्ट। तो 31 मार्च ही है, तो 31 मार्च को ही पैसा निकाला है और 31 मार्च को ही अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए? जीरो। अकॉर्डिंगली आप पुट करेंगे, आपका कितना आंसर आ गया? 1650। यानी कुल मिलाकर के जो गेम है, इस ट्रिक जो है वो टाइम लेफ्ट की है। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसमें मैं जो तीसरा लूंगा उसमें क्या होगा, मैं मिडिल डे पैसा निकाल लूंगा। मिडिल डे का मतलब से 15, हर महीने की 15, चाहे 30 का महीना हो 31 का हो, एवरेज आपने 15 को मिडिल डेट माननी है। तो देखिए तीसरा केस, तो देखिए अगर 3,000 रुपये पर मंथ फिर से विड्रॉ हो रहे हैं, बट अब कंडीशन मैंने बदल दिया है, मिडिल हर महीने की मिडिल डेट क्या है? बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला है, मंथ 31 का हो, 30 का हो, 28 का हो या 29 का हो, जो भी है, आपको ऑन एन एवरेज 15th इज टर्म्ड एज एवरेज मिडिल डेट। तो पहली ड्रॉइंग आपने कब की होगी? फंडा वापस से वही याद करना है, मंथ फिर डेट। तो पहली ड्रॉइंग कब की होगी आपने, किस मंथ में की होगी? अप्रैल में। अप्रैल का मिडिल डेट क्या है? 15। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कहलाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो 15 अप्रैल यानी आधा महीना हो गया अप्रैल का, फिर मई से लेकर के मार्च तक कुल मिलाकर के 11.5 मंथ आपके कहलाएंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। ऐसे ही आपने 15 अप्रैल के बाद 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड सो ऑन। लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी? फिर से मैंने फंडा बताया, पहले मंथ पकड़ना है फिर डेट पकड़नी है। मंथ क्या है आपका? मार्च। लास्ट ड्रॉइंग किस मंथ की होगी? हर बार मार्च ही आएगा, आप उसकी डेट पकड़ लो 15। तो 15 मार्च से 31 मार्च, आधा महीना हुआ, हाफ मंथ, इसको मैंने लिखा है 0.5 मंथ। इसे हाफ नहीं लिखेंगे, 1/2 नहीं लिखेंगे, 0.5 ही लिखेंगे। तो वापस से आपका क्या चेंज हो रहा है? फिर से सिर्फ टाइम लेफ्ट। तो टाइम लेफ्ट पहला है 11.5, दूसरा है 0.5, अगेन बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, आपका आंसर आएगा 1800। ये तीन केसेस आपके हो गए मंथ वाले। अब केस नंबर थ्री में आप मंथ के अकॉर्डिंग पैसा नहीं निकाल रहे, ऐसे में बहुत सारे केस बना के दिखाऊंगा आपको। आप हर दो दो महीने बाद पैसा निकाल रहे हैं बाई मंथ, हर तीन तीन महीने बाद निकाल रहे हैं क्वार्टरली, जो आपके एग्जाम में आते हैं। मंथ के बाद आता है अगर आप एक पर्टिकुलर पैसा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद निकाल रहे हैं, यानी मान लेते हैं क्वार्टरली, या क्वार्टर का मतलब हर तीन तीन महीने बाद पैसा निकालना। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, और दूसरी चीज एक क्वार्टर में जो टाइम गैप होता है वो कितने दिन का होता है। तो आपको पता होना चाहिए, फीस आप सभी लोग स्कूल में डिपॉजिट करते हैं, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो आपका मैंने जो केस बनाया है बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस टाइम पीरियड का चक्कर है, आपने बस उसी पर बार बार फोकस करना है। अगर मिस्टर ए ने 5,000 रुपए पर क्वार्टर, देखिए मंथ को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है? क्वार्टर से। पहले 3,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा था, तो कितनी बार पैसा निकाला? 12 बार। अब 5,000 रुपए पर क्वार्टर निकाल रहा है तो कितनी बार निकालेगा? सिर्फ 4 बार। एक चीज समझ में आ गई, तो 5,000 रुपए पर क्वार्टर निकाल रहा है ऑन फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे भी निकाल सकता है, मिडिल डे भी निकाल सकता है, और वापस से सेम लास्ट डे भी निकाल सकता है, ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। यानी वो हर क्वार्टर में 5,000 रुपए निकाल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट मैंने 10% रखी है। अकाउंट हमारा 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 5,000 रुपए एक क्वार्टर में निकाले,
टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई, 5000 इंटू 4, 20,000 रुपए इज नोन एज टोटल ड्रॉइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%। क्लियर होगी बात। वापस से जो आपको फंडा समझना है वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अब आप समझिए, पहला क्वार्टर की बात करते हैं, रेंज समझिए पहले, क्वार्टर की क्या रेंज है। पहले आपने रेंज समझनी है, फिर आपको देखनी है डेट, ये दो चीज फोकस करनी है। मंथ में किस पर फोकस करना है, मंथ ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ ड्रॉइंग। इसमें आपको क्या देखना है, रेंज ऑफ क्वार्टर एंड डेट ऑफ विथड्रॉ। तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा आपका, 1 अप्रैल से 30 जून, यानी अप्रैल मई जून। दूसरा क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक। तीसरा क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। चौथा क्वार्टर जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर होगी बात। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहला पैसा आपने कब निकाला। तो मैंने फंडा क्या बताया, पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल से जून। तो अप्रैल से जून में फर्स्ट डे किसकी होगी, मंथ की। मंथ सबसे पहले कौन सा है, अप्रैल। तो आपने पहली ड्रॉइंग कब की होगी, पहले क्वार्टर की फर्स्ट डेट को, यानी कि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च। तो टाइम लेफ्ट कितना आया पहले की इसमें, 12 मंथ्स। ऐसे ही आपने बार बार विड्रॉ किया होगा, तो लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी आपने, लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर स्टार्ट कब होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी में, जस्ट आपको समझाया। तो जनवरी फरवरी मार्च आपका लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर का पहला मंथ कौन सा है, जनवरी, और डेट कौन सी है, फर्स्ट। तो लास्ट ड्रॉइंग आपने की होगी बच्चों 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च कितना टाइम गैप आया, 3 महीने का। तो मंथ में क्या होगा, वन का एक एक का वेरिएशन हो रहा है, और क्वार्टर में कितना वेरिएशन आ रहा है, 3-3 का। अकॉर्डिंगली पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1250। ये कौन सा केस है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ये तो बड़ा सिंपल है। पर जो मिडिल डे है और जो लास्ट डे ईच क्वार्टर की, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, आइए उस पर फोकस करते हैं। यस, अब क्वार्टर में मैंने फिर से दूसरा केस लिया है, इफ मिस्टर ए विड्रॉ 5000 पर क्वार्टर ऑन लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें आपको कुल मिलाकर के वापस से क्या समझना है, सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कैसे निकालनी है और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कैसे निकालनी है। टोटल ड्रॉइंग सेम रहेगी 5000 × 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी 1/12। बाय डिफॉल्ट आपको ये फिगर क्वेश्चन में पुट करनी है, फॉर्मूला का पार्ट है। तो आप ये ना सोचे सर ये 1/12 क्या है, एवरेज वन मंथ की ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखानी है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अब आप वापस से आ जाइए, पहला क्वार्टर कब से कब तक का है, 1 अप्रैल से 30 जून। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला क्वार्टर कब से कब तक का है, 1 अप्रैल से 30 जून। तो क्वार्टरली में आपको, क्वार्टर की ड्रॉइंग में आपको क्या देखना है, पहला क्वार्टर कब से कब तक का है और डेट्स। आपको क्या बोला है, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, अप्रैल में खत्म हो रहा है, मई में खत्म हो रहा है, जून में खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, 30 जून को खत्म हो रहा है। तो आपने लास्ट ड्रॉइंग, आपने जो ड्रॉइंग की है लास्ट डे वाली, तो क्वार्टर का लास्ट मंथ कौन सा है, जून, और डेट कौन सी है, 30। तो पहली ड्रॉइंग आपने जो की होगी अप्रैल से जून के क्वार्टर में, वो की होगी 30 जून। तो फर्स्ट ड्रॉइंग आपने 30 जून को की है, 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट कितना हो गया, 9। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा वापस से वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी, लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर की रेंज क्या है, 1 जनवरी से 31 मार्च। तो लास्ट मंथ कौन सा है, लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ मार्च, और डेट क्या है बच्चों, 31 मार्च। तो 31 मार्च को आपने लास्ट ड्रॉइंग की है, अकाउंट भी 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो आपका जो टाइम गैप आएगा वो आएगा 0। इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 750। क्वार्टर का समझ में आ गया, ये आ गया आपका लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट डे में क्वार्टर का फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डेट, लास्ट डे में क्वार्टर का लास्ट मंथ
और लास्ट डेट। अब जो मैं लास्ट समझाने जा रहा हूं मिडिल, एडवांस में सुन लीजिए आप लोग, मिडिल का मतलब क्वार्टर का मिडिल मंथ और उसकी मिडिल डेट। यानी कि सपोज अप्रैल से जून का क्वार्टर है और आप मिडिल डे को निकाल रहे हैं, तो अप्रैल से जून के क्वार्टर का मिडिल कौन सा है? मंथ। मिडिल मंथ कौन सा बच्चों? मई। और मई की मिडिल डेट कौन सी हुई? 15। तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन बनाया मैंने। इफ मिस्टर ए विड्रॉ, अगर मिस्टर ए ने विड्रॉ किए हैं 5000 पर क्वार्टर ऑन मिडिल डे, पहले क्या पढ़ाया था? फर्स्ट डे, फिर क्या पढ़ाया? लास्ट डे, अब क्या है? मिडिल डे। तो फंडा क्या है? क्वार्टर का मिडिल मंथ और मिडिल मंथ की मिडिल डेट, बस इस चीज को पकड़ लेंगे। तो पहला ड्रॉइंग, आपने पहला क्वार्टर कब का बेटा? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का मिडिल मंथ कौन सा हुआ? मई। और मिडिल मंथ की मिडिल डेट कौन सी हुई? 15। तो पहली ड्रॉइंग पहले क्वार्टर में जो कि अप्रैल से जून तक का है, आपने विड्रॉ किया है 15 मई को, तो 15 मई से 31 मार्च टाइम लेफ्ट आपका क्या कहलाएगा? 10.5। लास्ट ड्रॉइंग कब किया आपने? लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर की रेंज क्या है? जनवरी फरवरी मार्च। मिडिल मंथ कौन सा हुआ बच्चों? फरवरी। और मिडिल डेट कौन सी हुई उसकी? 15। तो लास्ट ड्रॉइंग आपने जो की होगी लास्ट क्वार्टर की मिडिल डेट को 15 फेब को, 31 मार्च तक टाइम लेफ्ट कितना कहलाएगा? 1.5। यानी बार बार चेंज क्या हो रहा है? टाइम लेफ्ट। आपका आंसर आ गया 1000। यानी अगर मंथली ड्रॉइंग हो, चाहे वो फर्स्ट डे हो, लास्ट डे हो, मिडिल डे हो, क्वार्टरली ड्रॉइंग हो, चाहे फर्स्ट डे हो, लास्ट डे हो, मिडिल डे हो, ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, चेंज नहीं हो रहा है, बट लगेगा कब? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चों ने ध्यान से वीडियो नहीं देखा हो, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि आपने फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है, एक चीज। दूसरा, आपका जो टाइम गैप है ड्रॉइंग का वो सेम है, एक एक महीने बाद निकाल रहे हैं तो एक एक महीने बाद निकाल रहे हैं, और डेट भी सेम है, यानी महीने में एक तारीख को निकाल रहे हैं तो एक को ही निकालेंगे, अगर 15 को निकाल रहे हैं तो 15 को ही निकालेंगे, और 30 को निकाल रहे हैं तो 30 को ही निकालेंगे। अकॉर्डिंगली आपने इसको पुट करना है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और आपको डिटेल में जाना है तो यू शुड गो थ्रू फ्रॉम योर बुक, आप अपनी बुक से हेल्प लें, कोई राइटर हो फॉर्मूला, हर राइटर कहेगा, अब इसको किसी राइटर ने घुमा फिरा के क्या बोल दिया है, एवरेज 6 महीने की होगी, जो मैंने फर्स्ट डे वाला होगा उसमें बोलेंगे एवरेज 6.5 महीने की होगी, तो राइटर अपनी अपनी बातों को घुमाते हैं। आपने किसी चीज में नहीं जाना है, आपने ये फॉर्मूला पुट करके आपने आंसर निकालना है। तो मैंने आपको मंथ के केस समझा दिए, आपको क्वार्टर के केस समझा दिए, अब इसमें केस तो मैं फिर बहुत बना सकता हूं। सपोज अब मैं 2-2 महीने बाद पैसा निकाल रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर के चेंज क्या होगा? टाइम लेफ्ट, सपोज 2-2 महीने बाद निकाल रहा हूं तो 2-2 महीने कौन कौन से हुए? अप्रैल में, जून जुलाई, अकॉर्डिंगली तो सेगमेंट बनाएंगे। अप्रैल मई का मंथ, फर्स्ट डे कौन सी कहलाएगी? 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। और अगर मिडिल में निकाल रहे हैं तो कब निकालूंगा? अप्रैल और मई का मिडिल कौन सा होगा? 1 मई, तो 1 मई का निकाल लूंगा। अगर लास्ट डे निकालूंगा तो अप्रैल और मई का लास्ट क्या होगा? 31 मई। यानी कुल मिलाकर की चीज है वही है, वो बाई मंथली का केस है, एग्जाम में आ जाता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ऐसे भरे बहुत सारे केसेस है, कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। नेक्स्ट केस पर फोकस समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट है आपका, आपको क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि कितना पैसा विड्रॉ किया है, बट ये नहीं दे रखा कब, कैसे, कितनी बार पैसा निकाला, तो ये अलग केस है। सबसे पहला केस क्या था? हर बार अलग अलग डेट पर अलग अलग पैसा निकाल रहा है, उसको करने का तरीका अलग हो गया। फिर मैंने आपको केस बहुत सारे बनाए जिसमें हर महीने एक तारीख को फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, या फर्स्ट डे, लास्ट डे, या मिडिल डे, अकॉर्डिंगली क्वार्टरली में भी समझाया, बाई मंथ में भी समझाया। अब कॉमन केस जो मोस्टली पेपर में लगता है, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने को आता है, व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, बता ही नहीं रहा, बस इतना दे रखा है कि इसने पूरे साल में सपोज 20,000, 30,000, 40,000 निकाले। अब समस्या ये आती है कि सर टाइम लेफ्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करें या किस तरीके से करें, तो बोर्ड ने बड़ा क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड की है, अगर क्वेश्चन में डेट क्लियर नहीं है तो आप एवरेज पीरियड पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का एवरेज कितना हुआ? 6। तो आपको एवरेज 6 महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है और अमाउंट दे रखा है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, ड्राइंग कितना पैसा निकाला है दे रखा होगा, रेट दे रखा होगा, और बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे? एवरेज 6/12। अब 1/12 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 6/12। अब आप देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाया है, अगर मिस्टर ए ₹50,000 विड्रॉ करता है, इफ मिस्टर ए विड्रॉ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब आप देखो क्या दे रखा है, सिर्फ ₹50,000 निकाले हैं। कब निकाले, कैसे निकाले, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो बड़ी नेचुरल सी बात है केस नंबर थर्ड फॉलो होगा। टोटल ड्रॉइंग 50,000 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दे रखा है, इस पर ध्यान रखना, पर एनम, अगर पर एनम वर्ड है तो ही ये कंडीशन लगेगी। तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आपका आ गया 2,500। अब सपोज इसी में मैं एक बहुत स्मॉल और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अब आपको 10% पर एनम की जगह क्या दे रखा है? सिर्फ 10% दे रखा है। तो 10% दे रखा है, उस केस में आपने क्या करना है, 6/12 नहीं हटे लगेगी, फ्लैट इंटरेस्ट चार्ज होगी, जैसा कि आप मार्केट से पैसे बोरो करते हैं पर्सनल लेवल पर। आजकल मार्केट में पैसा उधार देने का सिस्टम चल रहा है, उधार प्राइवेट लोग पैसा दे रहे हैं, सपोज मैंने ₹10,000 इंटरेस्ट पर उठाए और वो कह रहे हैं 10% लगेगा, तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। यानी मुझे उस बंदे को कितनी इंटरेस्ट वापस करनी है हर महीने? 1,000। तो वो हो गया परसेंटेज वाला केस। अगर सपोज मैंने किसी से उधार लिए ₹10,000, 10% पर एनम, इसका मतलब ₹10,000 पर 10% पर एनम मुझे पूरे साल में कितनी इंटरेस्ट देनी है? सिर्फ 1,000। तो ये डिफरेंस है पर एनम में और परसेंटेज में। तो आप ये ना सोचिए सर पर एनम नहीं था तो मैंने मान लिया, नो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर एनम है तो एवरेज 6 महीने की लगेगी और फ्लैट परसेंटेज है, भूल जाइए कोई भी मंथ, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। तो ये तो आपके मेन मेन केस थे, क्वार्टरली का, मंथली का, ये वाला, टोटल ड्रॉइंग वाला, सारे केस और प्रोडक्ट मेथड आपको मैंने समझा दिया। एक इसी में एक ट्रिक और है कि सपोज कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, मिस्टर ए विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ एंडिंग। अगर आपको एंडिंग वाली डेट दे रखी है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, अगर आपको एंडिंग वाली डेट दे रखी है तो आप यही मानेंगे कि जो एंडिंग की डेट है उसी को आपने अकाउंट क्लोज करना है और वहीं तक आपने टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। ये मैं आपको लास्ट के समझाऊंगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट केस है जो मैंने पढ़ा है, उसी में से एक मैंने केस निकाला है और बहुत ध्यान देने वाली बात है। अभी तक मैंने जितने भी केस पढ़ाए उसमें बाय डिफॉल्ट आप अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज कर रहे थे? 31 मार्च को। क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। अब कई बार क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि आपने जो पैसा निकाला है वो जरूरी नहीं है आप पूरे 12 महीने निकाले, हो सकता है आप 6 महीने तक निकाले, 8 महीने तक निकाले, 9 महीने तक निकाले। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि आपने लास्ट कब तक पैसा निकाला है और क्वेश्चन फिर साइलेंट है अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो उस केस में जो ईयर एंडेड डेट दे रखी होगी वही आपकी डेट ऑफ अकाउंटिंग क्लोज मान करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ मिस्टर ए विड्रॉ ₹8,000 पर मंथ, ये तो कॉमन चीज है, रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी मंथली ड्रॉइंग है, पैसा फिक्स है, हर महीने की लास्ट डेट को निकालना है, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आपको ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट डे लग रहा है, लास्ट डे लग रहा है, मिडिल डे लग रहा है, यहां तक तो क्लियर है, कॉमन है। अब आगे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है, फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने पैसा निकाला है। पहले केस में क्या था? रेगुलरली और बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन साइलेंट था तो क्या मान रहे थे? 12 महीने पैसा निकाला होगा। और दूसरा बाय डिफॉल्ट अकाउंट का क्लोज हो रहा था 31 मार्च को, इसमें क्लियर बोल रहा है 6 महीने तक पैसा निकाला है 30 सेप्टेंबर तक, तो हम 30 सितंबर को ही अकाउंट क्लोज मानेंगे और वैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कुल मिलाकर के जो कंट्रोवर्सी पोस्ट पर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट टाइम लेफ्ट, रेस्ट थिंग इज ओके।
8000 निकाला है, 8000 अगर 6 महीने निकाला है तो 48, 12 महीने निकाला है 96, तो कितने दिन निकाला है? 6 महीने। 8000 इंटू 6, 48000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5/100, 1/12 कॉमन रहेगा, टाइम लेफ्ट निकालना है। तो आपने पहली ड्रॉइंग कब की होगी? सितंबर से 6 महीने बैक में जाइए, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, उल्टा चलेंगे। तो पहली ड्रॉइंग कब की होगी? क्वेश्चन साइलेंट है तो अप्रैल में ये काउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। तो पहली ड्रॉइंग कब की होगी आपने? अप्रैल में। तो पहले क्या पकड़ना है आपको? मंथ, फिर क्या पकड़नी है? डेट। अप्रैल में की है और एंड में की है, तो 30 अप्रैल को आपने ड्रॉइंग की है। तो 30 अप्रैल से पिछली बार क्या ले गया था हमें केस नंबर 2 में? 31 मार्च। अब नहीं ले जाना, आपको एंडेड जो डेट दे रखी है वहीं पे अकाउंट क्लोज करनी है। तो 30 अप्रैल से 30 सितंबर क्या हुआ आपका? 5 मंथ टाइम लेफ्ट। लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी? सितंबर में की होगी, क्योंकि तो 30 सितंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है, मान के चलेंगे ऐसा। 30 सितंबर को ही विड्रॉ की है, 6 मंथ है, लास्ट ड्रॉइंग सितंबर में की होगी। कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को कैलकुलेट की, 30 सितंबर को ही ईयर एंड करना है आपको। टाइम लेफ्ट कितना हो गया? 0। ऐसे आपका आंसर आ गया 500। अब इसी में मैं बोल दूं 6 मंथ की जगह 9 मंथ, तो सितंबर से 9 मंथ ऊपर चले जाइए। ये सितंबर को सपोज मैं दिसंबर कर दूं, तो अकॉर्डिंगली आपने करना क्या है, जितने मंथ आपने पैसा विड्रॉ करा है इस डेट से स्टेप बैक कीजिए। तो पहली ड्रॉइंग का मंथ आपको उसमें पता पड़ेगा। अब सपोज इसी में मैं अगर एक चीज और दे दूं, नहीं, अज्यूमिंग अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, तो आपका केस नंबर 2 ही बन गया। पहली ड्रॉइंग कब की होगी आपने? अप्रैल में। आखिरी ड्रॉइंग आपने सितंबर में की होगी, तो लास्ट ड्रॉइंग कब मानेंगे? सितंबर। लास्ट ड्रॉइंग मार्च नहीं मानेंगे अगर क्वेश्चन में 31 मार्च अकाउंट क्लोज की डेट और दे रही है। धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको सॉल्व हो और क्लियर होगा। किसी के कोई भी डाउट हो, ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें। काफी बच्चे मुझे क्वेरी भेज रहे हैं, दैट मीन्स आप सीरियसली उसे पढ़ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी कुछ नहीं पता गवर्नमेंट ने कितने दिन का लॉकडाउन पीरियड रखा है, तो आप ऑनलाइन स्टडीज को सीरियसली लें, आप इसे रेगुलर स्टडी मान के चलें। और मैं अब आपको होमवर्क दूंगा जिससे कि आप टाइम टू टाइम उन होमवर्क को प्रॉपरली सॉल्व कर लें। उसके बाद अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। बट मेक श्योर जितना होमवर्क मैं दूंगा आपको उतना आप करेंगे तो आपके घर बैठे बैठे पूरा चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर अपलोड मैं कल करूंगा। टिल देन, गुड नाइट।